सबसे बड़ी खबर की ओर, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है। 15 फरवरी से 13 मार्च तक 10वीं के एग्जाम होंगे और इसकी डेट शीट भी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10th क्लास के बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है, 10वीं और 12वीं दोनों के लिए ही हो गया है। फिलहाल आपको बता दें, 15 फरवरी से 13 मार्च तक 10वीं के एग्जाम होंगे, इसकी डेट शीट जारी कर दी गई है। और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी कर दी गई है। ये परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। सीबीएसई ने डेट का ऐलान कर दिया है, तारीख का ऐलान कर दिया है कि आखिर कब बोर्ड एग्जाम होंगे। और अब ये परीक्षा है 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, और अब आखिरकार डेट तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है, टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, सिवनी से आ रही है। जबलपुर लोकायुक्त का छापा, सीड्स इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बीज व्यापारी ने शिकायत की थी जबलपुर लोकायुक्त की, बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है, और अभी फिलहाल इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरा मामला रिश्वतखोरी का है, और वो भी 20,000 रुपए रिश्वत लेते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जब ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद रिश्वत का खुलासा हुआ, और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बारी, एक्शन की बारी, गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पर इंस्पेक्टर को, सीड्स इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है, और जबलपुर लोकायुक्त ने छापेमारी की, जिसके बाद पूरे मामले पर से पर्दाफाश हुआ और आखिरकार रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिवनी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छापेमारी की गई है जबलपुर लोकायुक्त की तरफ से, और ये सीड्स इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पूरा मामला रिश्वतखोरी से जुड़ा है, 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसकी शिकायत एक व्यापारी ने की थी कि इस तरीके से रिश्वत लिया जा रहा है। व्यापारी की शिकायत के बाद बीज इंस्पेक्टर पर यह कार्रवाई की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जानने की कोशिश होगी कि अब तक कितने मामले ऐसे हैं जिसमें रिश्वत लेने के बाद काम पूरे किए गए। रिश्वतखोर इंस्पेक्टर के खिलाफ ये कार्रवाई, अब 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। कांकेर में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अंतागढ़ आईटीआई हॉस्टल के कमरे में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अंतागढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो झीरा मामले की जांच की मांग अब उठ रही है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने इसकी मांग की है। नए मुख्यमंत्री राजनीति से ऊपर उठे हैं। उनका कहना है कि ये राजनीतिक नहीं, भावनात्मक मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें, ये भी उनका कहना है। राज्य सरकार जल्द से जल्द इसका सच सामने लाए। हार को लेकर उमेश पटेल ने बयान दिया और कहा, हार के तो कई कारण है, वो जल्द बताएंगे, लेकिन फिलहाल झीरम मामले में जांच होनी चाहिए और इसमें सरकार से आग्रह की जा रही है। नए मुख्यमंत्री राजनीति से ऊपर उठे, उनका कहना है, और ये भावनात्मक मुद्दा है, ना कि राजनीतिक मुद्दा है।
इसीलिए इसमें जांच हो। और अब खबर रायपुर से, जहां बाल संप्रेक्षण गृह की गंभीर लापरवाही सामने आई है और 7 आरोपी बालक फरार हो गए हैं। सभी आरोपी थे और बालिग हैं। बालिग होने के बाद भी संप्रेक्षण गृह में आरोपियों की राजीम से गिरफ्तारी हुई थी और अब ये 7 के साथ फरार हो गए हैं। घोर लापरवाही, इनके फरार होने की सूचना जैसे ही मिली पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर इन्हें कोई भी देखता है तो फौरन सूचना दी जाए। आप देखिए, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है, इनके जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। ये 7 आरोपी बालक हैं जो फरार हो गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।